दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म बॉडीगार्ड के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी में सलमान खान और करीना कपूर के अलावा हेजल कीज, राज बब्बर और आदित्य पंचोली भी अहम रोल में नजर आए थे। सलमान खान और करीना कपूर स्टारर ये फिल्म 31 अगस्त सन 2011 को रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी है। इस मूवी का निर्देशन सिद्दीकी ने की है। इस मूवी को सिद्दीकी ने ही लिखा था। बॉडीगार्ड मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट 60 करोड़ रुपए था। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो यह मूवी पहले दिन 21 करोड़ 60 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी पहले वीक में 115 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अगर बात करें इस मूवी के लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में तो बॉडीगार्ड मूवी का लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन 148 करोड़ 52 लाख रुपए रहा था। अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 230 करोड़ रुपए रहा था। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो बॉडीगार्ड मूवी ओवरसीज में भी 41 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी, जबकि इस मूवी की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 189 करोड़ रुपए रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से सलमान खान और करीना कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। दोस्तों आपको बता दूं कि सलमान खान और करीना कपूर की इस मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। दोस्तों अगर आपने बॉडीगार्ड मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों नए व पुराने फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।